वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल डोज। आई होप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और ये विंटर्स आ चुकी है तो विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे सभी लोग अपने घरों में। तो विंटर्स आ चुकी है और हमारा स्किन काफ़ी ड्राई हो जाता है विंटर्स में, तो हमें विंटर्स के टाइम में अपने स्किन की केयर करना काफ़ी मतलब ज़रूरी है, अपने फेस को हाइड्रेट रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज मैं एक वीडियो लाई हूँ जो कि है विंटर स्किन केयर रूटीन, कैसे अपने विंटर्स में स्किन को हाइड्रेटिंग रख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं आज प्रोडक्ट लाई हूँ और जो वीडियो लाई हूँ वो प्रोडक्ट जो है पहले बता दूँ कि वो काफ़ी अफोर्डेबल है और सभी के घरों में अवेलेबल होता है। ठीक है, और नहीं भी हो अगर अवेलेबल तो आप मार्केट से ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको वो मार्केट में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो उसको ज़रूर करें सब्सक्राइब, अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए। तो चलिए मैं बता दूं कि मेरा जो फेस है वो नॉर्मल टू ड्राई है, तो ये जो मैं वीडियो लाई हूँ वो नॉर्मल टू ड्राई वालों के लिए है। अगर चाहे तो ऑयली स्किन वाले जो हैं वो भी अपने प्रोडक्ट के साथ बस जो मैं बताऊंगी ना स्टेप उसको फॉलो करके अपना प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन वाले। तो पहले तो अगर आपने फेस में मेकअप कोई किया है तो उसको क्लीन करना होता है, ये हमारा स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप है। तो देख रहे हो एज यू कैन सी कि मैंने लिपस्टिक लगाया है, काजल भी लगाया है और मेरा बेस भी है, क्रीम है। तो सबसे पहले मैं अपना ये फेस को क्लीन कर लूँगी, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ये मेरे पास है पैरासूट का कोकोनट ऑयल जो कि 100% प्योर है। और ये कोकोनट ऑयल जो है वो सभी के घरों में अवेलेबल है, सभी लोग चाहते हैं तो अगर चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है कोकोनट जो है उसमें मतलब सभी को पता है कोई केमिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको इसी के हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी। चलिए, और क्लीन करने के लिए मैं लूँगी ये कॉटन पैड है मेरे पास, ट्यूलिप का कॉटन पैड है। तो इस पहले मैं ऑयल को कॉटन पैड मैंने ले लिया है, इसी की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को क्लीन करूँगी। चलिए, तो मैंने ले लिया है, अभी विंटर्स है तो विंटर्स में जो है जम जाता है ऑयल। इसको चलिए, तो अब मैं कॉटन पैड की हेल्प से सबको रिमूव करूंगी। तो देखिए आप, कॉटन पैड है मेरे पास, देखिए मेरे फेस में जो भी डॉट है वो सब इसमें आ रहा है कॉटन पैड में, आप अगर देख सकते हो है ना। अच्छे से रिमूव कर देंगे। जो कोकोनट ऑयल है वो हमारे मतलब ड्राई स्किन वालों के लिए काफी मींस अच्छा है, देख सकते हो आप डॉट। अब मैं लिप्स को भी लिपस्टिक को भी हटा लूंगी, देखिए मतलब एक बार में जो है वो सब कुछ
निकल चुका है, मेरा फेस काफ़ी क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है टोनिंग की। अब हम अपने फेस पे टोनर अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास है ये दो प्रोडक्ट टोनिंग के लिए, ये है बायोटेक का बायो कुकुम्बर और ये है मेरे पास रोज़ वाटर। ये अगर ना हो आपके घर में तो ये तो ऑफकोर्स होगा ही सभी के घरों में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और हाँ, बायोटेक का ये टोनर भी काफ़ी अच्छा है और मैंने इसका रिव्यू दिया है मेरे चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको जाकर देख लीजिए और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मैं यूज़ कर लूँगी गुलाबरी जल, यही यूज़ कर लेते हैं, गुलाब जल है। रोज़ वाटर हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, हाइड्रेट रखता है हमारे स्किन को। चलिए इसको मैं अपने हैंड पर ले लूँगी। आप चाहो तो कॉटन पैड की हेल्प से भी उसको पूरे फेस पर यूज़ कर सकते हो। अभी मैं कुछ नहीं, सिर्फ इस तरह से डैप डैप कर लूँगी अपने हाथ से ही, या फिर कॉटन पैड की भी हेल्प ले सकते हो आप। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कॉटन पैड को यूज़ करके दिखा देती हूँ। ऐसे एक स्प्रे में भी आता है, स्प्रे की बॉटल भी होती है, आप उसको भी ले सकते हो। देखिए मैंने इसको ले लिया है, ये मेरा वेट हो चुका है पूरी तरह से। अब इसको अच्छे से अपने स्किन पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे। डैब डैब करना है हल्के हाथों से। चलो, मैंने अब टोनिंग कर ली अपने फेस में। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हम अपने फेस पर फेशियल ऑयल अप्लाई करेंगे एज अ मॉइस्चराइजर। तो मैं यूज़ करूँगी ये फेस सीरम है, ये मेरे पास गुड वाइब्स का रोज़ हिप फेस सीरम, जो कि काफ़ी अच्छा है और आपके फेस को काफ़ी मतलब सॉफ्ट बनाता है। इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके भी आप ज़रूर देखिएगा एक बार इसका रिव्यू। मेरे पास दो है, एक ये है फेस सीरम और ये है बादाम ऑयल, ठीक है, आलमंड ऑयल है ये मेरे पास। इसका यूज़ मैं नाइट में करती हूँ, इसको मैं नाइट में मतलब अपने फेस पे लगा लेती हूँ रात में सोने से पहले, ताकि मेरी स्किन जो है सुबह जब उठूँ तो मेरी स्किन जो है वो काफ़ी हाइड्रेटिंग लगे, ड्राई ना लगे मेरी स्किन। तो चलिए अभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ सीरम। इस तरह से है इसकी पैकेजिंग है, इस तरह की आप देख सकते हो। तो चलिए इसको हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। ओके, पूरे फेस पर काफी अच्छे से हल्के हाथों से अपने अप्लाई कर लेना है इसको। चलिए, तो ये फेस का क्लीनिंग तो हो गया है कंप्लीट। अब बारी है लिप्स की। तो लिप्स पे आप जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र हो, लिप बाम हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये बॉडी शॉप का ये मेरे पास लिप बाम। तो इसको मैं लिप में अप्लाई कर लूँगी। फेस के साथ साथ लिप को भी मॉइस्चराइज करना काफी इम्पोर्टेंट है। इससे और विंटर्स में क्या होता है कि हमारा लिप्स जो है वो फटने लगता है ना, तो उसके लिए लिप बाम हमेशा हमें यूज़ करते रहना चाहिए, लिप बाम मतलब लगाते रहना चाहिए।
ये तो हुआ फेस का बात, और हाँ बॉडी लोशन भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो मैं कौन सा बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं ये वैसलीन का बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, इसके बारे में सभी लोगों ने सुना है, और विंटर्स में ये सभी के घरों में अवेलेबल होता है, तो मैं इसे भी अपने हैंड्स पर यूज़ कर लेती हूँ। विंटर्स में ना हमारे स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फेस हो चाहे हमारा बॉडी पार्ट्स हो, तो सभी की केयर करना काफ़ी मतलब ज़रूरी होती है। अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मॉइस्चराइज होने के बाद मेरे हाथ। तो यहाँ पे हमारा विंटर स्किन केयर रूटीन ख़त्म होता है, यही स्टेप्स है, और नाइट में भी यही स्टेप होता है। तो ये था ड्राई स्किन वालों, नॉर्मल टू ड्राई के लिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपना प्रोडक्ट चेंज करके स्टेप वही रख सकते हैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, और ये जो टिप्स मैंने बताए, जो भी मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं ड्राई स्किन वालों के लिए, वो मतलब आपको हेल्प करेगा। आप भी चाहो अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप भी इस विंटर स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हो। और जो भी मैंने आज प्रोडक्ट दिखाए हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सभी के घरों में होते ही होते हैं, और अगर नहीं भी होते तो वो लोकल मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, लोकल मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।